नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले धनतेरस और रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 500 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब ये दोनों तिथियां एक ही दिन मिल रही हैं। बहरहाल अभी रुक करेंगे खबरों की ओर, और खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा पटाखे फोड़ने की कोई सीमा नहीं। भाजपा कार्यालय पर हुई धनतेरस की पूजा, सीएम शिवराज ने दी धनतेरस की शुभकामनाएं। रुई के गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने का कारण अज्ञात। ब्रजेंद्र सिंह ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, त्योहार पर्व को बताया शुभ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय पर धनतेरस का पूजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए। भगवान धनवंतरी के पूजन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत की, प्रदेश की जनता को धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने हमने प्रदेश कार्यालय में महालक्ष्मी जी की पूजा की है, और पूजा की है पूरे प्रदेश की समृद्धि की, विकास की। महालक्ष्मी जी की कृपा जनता जनार्दन पर बरसे, और हमने जो माँ से मांगा वो भी यही मांगा कि कोरोना के कष्ट समाप्त हो, कोरोना खत्म हो, जो आर्थिक मंदी आई है वो समाप्त हो जाए, हमारे जन जन के घर में समृद्धि के रूप में लक्ष्मी जी आए, मध्य प्रदेश सरकार का खजाना भी भर जाए, क्योंकि ये समय बड़ी कड़की में सरकार चलाने में गया है। और इसलिए अंतरात्मा से माँ से प्रार्थना की कि अब ये मंदी और बाकी कष्ट समाप्त हो। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पूजन में शामिल हुए। उन्होंने भी दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण प्रदेशवासियों को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में ही हमारी मीडिया के जो पूरे मित्र हैं मध्य प्रदेश के, उन सब लोगों को भी बहुत बहुत हृदय से आज धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धनतेरस के अवसर पर महालक्ष्मी जी की पूजा भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के की है, और भगवान से, महालक्ष्मी जी से ये प्रार्थना किया कि मध्य प्रदेश वैभवशाली बने, संपन्न और सशक्त मध्य प्रदेश बन करके मध्य प्रदेश का हर नागरिक इस वैभव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसी अपेक्षा महालक्ष्मी जी से। और हमारा जो मध्य प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश के अंदर, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र पर, प्रत्येक बूथ में सशक्त और सक्षम बने, ऐसी प्रार्थना माँ महालक्ष्मी से आज हम सब लोगों ने पूजा अर्चन करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में की। भोपाल कलेक्टर ने आदेश दिया कि दीपावली के त्योहार पर केवल 2 घंटे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत रहेगी। वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें मिश्रा ने कहा कि धूमधाम से मनाएं दीपावली, कोविड-19 के नियमों के आदेशों का पालन भी करें, खूब फटाखे जलाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फटाखे जलाने की कोई भी सीमा नहीं है। दीपावली के मौके पर कलेक्टर द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया, क्या कहना है इस मामले में? कोई NGT के आदेश के संबंध में उन्होंने निकाला होगा। खूब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाए, खूब फटाखे चलाए, कोई समय सीमा नहीं है।
हमारा त्यौहार है, उमंग और उत्साह और आनंद के साथ में मने, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। कोई समय का बंधन मेरे ध्यान में नहीं आता है। एजेंटी का आदेश ही है, एनजीटी का होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा। हमको तो सबको आनंद से दिवाली मनाना है, खूब उत्साह से, कोई समय की। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी किराना की दुकान पर बैठे, वहीं पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी, जिसके साथ उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। उत्साह में कोई कमी नहीं है भैया, कैमरा पीछे करो थोड़ा। क्रय शक्ति कम हुई हो, पर लोग बहुत उत्साह के साथ त्योहार मना रहे हैं और मैं लोगों के उत्साह की प्रशंसा करता हूं, उनके धार्मिक परंपरा के निर्वहन की प्रशंसा करता हूं और जो हमारी सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है उसके लिए विपरीत परिस्थिति में भी लोग कितने उत्साह से हमारा त्यौहार मना रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। एक बार फिर से मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, हम धनतेरस 1400 दीपावली तीनों दिन की पूजा यहीं पर करते हैं। दीपावली पूजन परिवार के साथ करते हैं, पूरा परिवार हमारा यहाँ आता है और हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है, क्योंकि ये जो हमारी माता जी, इनको दुकान माता कहते हैं, जो हमारे लोगों में रक्त है, खून है, ये दुकान माता की कमाई से ही है, इसलिए हम इनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी रहते हैं और मानते हैं कि परिवार का पूरा बोझ हमारी दुकान उठाती है, इसलिए इस दुकान के प्रति हम सब लोग कृतज्ञ रहते हैं। मैडम, बंगाल में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं उसके बारे में राष्ट्रपति जी से मिलकर आए थे, वहाँ गृहमंत्री जी से मिलकर आए थे, क्या बने रहे? देखिए, लगातार हत्याएं हो रही है, कल भी बंगाल में हत्या हुई है, कल प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला भी हुआ है, जो हिंसक राजनीति है उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की, पर प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता है, पर इसी हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने परसों इंगित किया था, पर यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा, यह बलिदान देश के लिए, प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और ऐसा हमारा मानना है कि लोकतंत्र हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण पेश करना पड़ेंगे, उसमें बंगाल में जब तक हिंसा समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा, क्योंकि इससे देश की दुनिया में बदनामी भी होती है, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और इसलिए बंगाल की राजनीति में हिंसा समाप्त हो, वहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, वहाँ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में, और हमें उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल को होने की। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने प्रदेश की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरे लिए ये उत्सव शुभ है क्योंकि होशंगाबाद में टेंडर हुआ है, वह 100 करोड़ से ऊपर गया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से भी हमें इस टेंडर के लिए जो रेट मिले हैं वो बेहद अच्छे हैं। मीडिया बंधुओं को, पूरे प्रदेश की जनता को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि निरंतर तरक्की करें। आज बेसिकली मेरे लिए भी शुभ इसलिए है कि क्योंकि होशंगाबाद का जो टेंडर हुआ है वो करीब अराउंड 101 करोड़ के ऊपर के आसपास के हमारे ऊपर गया है। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हमें बहुत अच्छा ये एक टेंडर का जो कॉल मिला है, जो रेट मिले हैं वो बहुत ही अच्छे रेट हैं, और मैं मानता हूँ इस हिसाब से यदि हमारा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन इस कोविड काल में भी आप यदि देखें तो जो टारगेट है हम उससे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है। और अभी हम कोयला का भी, हमें एक जो रॉयल्टी मिल रही है उसमें भी एक हमें बड़ा उसकी जो रॉयल्टी हमें मिल रही है, जिससे कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का एक रेवेन्यू और रॉयल्टी हमारी बढ़ेगी। और मैं मानता हूँ कि ये भविष्य के लिए, इस कोविड
काल में भी हमें जो माइंस से सपोर्ट मिल रहा है, जो उनकी रॉयल्टीज मिल रही हैं, उसे एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफी। इंदौर पुलिस अपराधियों के खिलाफ इन दिनों सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसी कड़ी में अब पुलिस में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिसके तहत शहर के वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्याएं पुलिस को हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बता सकते हैं। आपको बता दें, शहर के 20,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड तैयार कराए गए हैं और उन्हें कई तरह की रियायतें भी विभाग उपलब्ध कराता है। दरअसल वे खुद को अकेला महसूस ना करें, इसके लिए क्षेत्र के पुलिस अफसर उनसे संपर्क बनाए रखते हैं। और अभी भी कोविड चल रहा है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि जिन्हें स्वयं घर से बाहर ना निकलें, कम से कम बाहर निकलें। ऐसे में हमारे जो परामर्श के पहले चलता था कोविड के पहले, उसमें बड़ी समस्या में बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे थे, सीनियर ऑफिसर्स के पास भी लोग फ़ोन आ रहे थे कि उनकी समस्याएँ, छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं, घरेलू समस्याएँ होती हैं, उनकी निदान के लिए वो कैसे करें, कहाँ जाए। तो ये सर डी आई सर मित्र एक हेल्पलाइन नंबर 7049108493 जारी किया गया, और इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो ऑडियो लिखित शिकायत या लिखित शिकायत का तो फोटो किसी भी रूप में शिकायत भेजते हैं, तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, इनको पावती देते हैं वो व्हाट्सएप पर। उसके बाद फिर उनकी बुधवार को हमारे काउंसलर्स आते हैं, तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसे आज 20 केस करीब लगे हुए हैं और उनकी सुनवाई करते हैं, फिर तो उसके बाद आवेदन पक्ष को सुना जाता है, और अगर आवश्यक होता है तो आवेदन पक्ष को बुलाया भी जाता है। कई समस्याओं के निराकरण इसमें हो रहे हैं, छोटी छोटी समस्याएं बुजुर्गों की आती हैं, और जैसे कि अभी एक अन्नपूर्णा क्षेत्र में समस्या आई थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के पड़ोसी ने सीढ़ी बनाई अपनी, तो उनकी सीढ़ी टूट गई। अब बुजुर्ग व्यक्ति इतने बुजुर्ग हैं और अकेले रहते हैं, लगभग 70+ उनकी उम्र है, तो वो घर से बाहर निकलने के भी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि घर की सीढ़ी उनकी टूट गई थी। उन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, तो हमारे लोगों ने जाके उनसे बात की, परिणाम ये हुआ कि 2 दिन के अंदर अभी तक ने सीढ़ी बनवा दी, और उसकी उन्होंने कहा कि रेलिंग नहीं है, मैं उतरूंगा तो मेरे को सहारा लगता है, तो हम लोगों ने नाम से बोला था, अभी तक मिलकर उसमें रेलिंग भी बनवा रहा है। इस प्रकार एक अन्य मामला जैसा कि आपने आया था, बड़ा चर्चित हुआ कि लॉकडाउन के दौरान पंचर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बनवाया, 270 रुपये उन्होंने दिए, अपने ऑनलाइन पेमेंट किया, और ऑनलाइन पेमेंट इनके खाते से निकल गया, लेकिन जो साइकिल पंचर बनाने वाला उसके पास नहीं पहुँचा, तो उसने इनसे बोला कि आपके पैसे नहीं आए हैं, तो 270 रुपये कैश दे दिए, बाद में इनके अकाउंट से भी चला गया। वो लगभग 5-6 महीने से परेशान थे, जैसे हमारे पास बात आई, हमारे जो टीम के लोग हैं, हमने जाके बात करी, पैसे वापस कराए, अनेक केसेस में आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंसी प्रेस की चौल स्थित एक रूई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। गोदाम मालिक की माने तो इस आग में करीब 10 लाख का माल जलकर खाक हो गया। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। फिलहाल इस हादसे को लेकर जाँच की जा रही है। यहाँ पर ये बंसी प्रेस के जो रोई गोदाम है, कम से कम 70-80 वर्षों से लगभग चल ही रहे हैं। इसके पीछे बंसी प्रेस की चाल है, जो कि यहाँ के पुराने समय के लोग जाने रहते निवास रहते हैं, जो यहाँ पर काम करते थे। अभी हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ समय पहले यहाँ पर यानी आग देने की घटना हो चुकी थी, तो फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया, वो उनकी कार्य गति को थोड़ा सा दे दिया है। अभी थोड़ा सा मामला व्यवस्थित है। कितने बजे की घटना है ये? घटना होगी साहब तो कम से कम अभी से 1.5 से 2 घंटे। क्या लगता है आगजनी की जो घटना घटित हुई है? बहुत कम होता है, हालांकि इस समय में हमने तो दूसरी क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से या शॉर्ट सर्किट ही बोल सकते हैं, क्योंकि इधर तो कोई ज़्यादा आवागमन है नहीं इस प्रकार से, तो किसी कारण वो पुराने समय का कोई वायर हो उस चक्कर में हमने शायद शॉर्ट सर्किट। आपका नाम? जी मेरा नाम मुकेश है। इसमें यह बंसी पैलेस है, 70 साल की यह कंपनी है, 70 साल से चल रही है, और उसके बाद गोदाम स्टार्ट थे, इसमें रूई की गोदाम थी, उसमें फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ी लगी है और नगर निगम 5-6 टैंकर लगे। क्या लगता है क्या रॉकेट की? नहीं, इसके आग तो 60 सर्किट से लगी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा देश भावना से भी हो सकता है, पड़ोस में कॉलोनी रहती, कॉलोनी वाले भी आपत्ति उसे उठा सकते हैं, तो ये गोदाम पुराना गोदाम है, हटा दे। अभी क्या अभी अभी तो अभी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगी, जो कोई जनहानि कुछ नहीं। मेरा आदेश निवाल SP5। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।